हेलो गाइस, वेलकम टू उदयपुर ट्रिप। ये उदयपुर ट्रिप का वीडियो है। 1 2 3 उदयपुर आप रेल से जा सकते हो। इसमें हमको एक मिल जाता है, वो एक ड्राइंग रूम मिल जाता है, और ये एक ड्राइंग रूम मिलता है हमको। अच्छा, ये है क्या ड्राइंग रूम आपका? अरे वाह, इसका तो वॉशरूम भी बहुत शानदार लग रहा है। अरे वाह, क्या बात है, वाह। ठीक है, और दिखाइए। अच्छा, ये भी तो है, इसमें अलग से कबर्ड भी है। वाओ, अपने जैकेट्स वगैरह भी टांग सकते हैं, पर्स वगैरह भी कैरी करके रख सकते हैं। यहाँ पे अलग से सेफ भी है आपके पास है। वाह, रूम शेक भी है, कॉफ़ी मेकर भी है। वाओ, दैट्स गुड। अच्छा, और बताइए धैर्य सिंह, एक बेडरूम और अलग से भी एक बेडरूम है। ओ, अलग से बेडरूम में है, बाबू लेट के आराम कर रहे हैं। वाओ, वेरी नाइस ड्राइंग। एंड एसी। वाओ, ये कितने अच्छे हैं, देखो। वाओ। एंड एसी। वाओ, एसी भी है। फैन, फैन कितना अच्छा है इसको, देखो। ओ, यहाँ पे तो एक झरोका टाइप भी है, राजस्थानी झरोका। वाओ, कितना अच्छा व्यू है यहाँ से। तो गाइस, यहाँ उदयपुर में ना आपको ब्रेकफास्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप जगह जगह, आप किसी भी प्लेस पे जाओगे, वो जगह जगह आपको स्टॉल्स मिलेंगे जहाँ पे आप मैगी, बर्गर और ये दाल पकवान, ब्रेड पकौड़ा, समोसा, कुल्हड़ की चाय वगैरह वगैरह आप ये ब्रेकफास्ट कर सकते हो। ठीक है, सेम आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ पर आपको दाल बाटी चूरमा भी मिल जाएगा, पॉपुलर जो राजस्थान की डिश है वो भी आप खा सकते हो। जो भी यहाँ के मेन मेन मार्केट है सब पे मिल जाता है। अभी आप जो देख रहे हो, ये सिटी पैलेस का है। सिटी पैलेस में दो टिकट्स मिलती हैं स्टार्टिंग में काउंटर पे, एक एक होता है जग मंदिर के लिए, वो आप जा सकते हो। वो एक जग मंदिर है आयरलैंड के अंदर जहाँ आप वोटिंग से जा सकते हो। दूसरा ही म्यूज़ियम है सिटी पैलेस के अंदर, आप म्यूज़ियम भी विज़िट कर सकते हो। सिटी पैलेस का म्यूज़ियम बहुत अच्छा है, यहाँ पर आपको काफ़ी सेल्फ़ी पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे आप सेल्फ़ी ले सकते हो। यहाँ पे आप सनसेट भी एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे फूड ऑप्शंस भी हैं अंदर, सिटी पैलेस के अंदर फूड ऑप्शंस भी हैं जहाँ पे आपको दाल बाटी की थाली भी मिल जाती है। बाकी अभी फूड ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ और, अगर आप जगमंदिर के टिकट लेते हो तो यहाँ से आप वॉक करने की बजाय ना, यहाँ से आप प्राइवेट कार जो चलती हैं उनसे आप उनकी टिकट लेके आप जा सकते हो, क्योंकि वो दूर है थोड़ा। सुनिए मॉम, मुझे अपने बारे में आपसे कुछ बात करनी है। तुम्हें भी कुछ चाहिए क्या? तुम अपने जेब कार्ड से नो से हाय। हाय दोस्तों, आप क्या कर रहे हो? टीवी देख रहे हैं। आप कहाँ पे हो अभी? अभी हम उदयपुर, अब जाओ, कुछ उदयपुर में है और होटल का नाम उदय निवास है। और आप कहाँ जाओगे अभी घूमने? अभी हम जाएंगे जू, जाएंगे जंगल सफारी जाएंगे, और नदी। और कल कहाँ गए थे आप? कल कहीं? कल हम बोटिंग करने गए थे सिटी पैलेस। हाँ, और कल हम वो सिटी पैलेस गए थे, झील सरोवर गए थे। वेरी गुड। बाबू, आप कहाँ गए थे बेटा? डोरेमोन देखो अपना, दोनों जने। ये सिटी पैलेस के अंदर का व्यू है जहाँ पे आप सारा सिटी पैलेस घूम के ना रेस्ट कर सकते हो। यहीं पे आपको जो मैंने ऑप्शन बताया था, दाल बाटी चूरमा की थाली मिलती है, वो यहाँ पे आप थाली ले सकते हो। ये आपका मॉर्निंग से लेके नाइट तक ये चलता रहता है, जो भी है सिटी पैलेस की टाइमिंग होती है इवनिंग तक की, तब तक ऑप्शंस रहते हैं अवेलेबल ये थाली के। आप पिचोला लेक भी घूम सकते हो। आप देख रहे हो देखो स्क्रीन में, ये पिचोला लेक का है।
आप सिटी पैलेस से आप वॉक अराउंड करोगे तो आप इस लेक पे पहुंच जाओगे। सामने आपको जो वाइट कलर का दिख रहा था स्ट्रक्चर, वो हमारा ताज होटल है। और उसके पीछे जो आइलैंड से दिख रहा है, ये जग मंदिर है। आप यहाँ पे वोटिंग भी कर सकते हो, वोटिंग की राइट मिलती है आपको, जो 30 मिनट्स आपको वोटिंग कराती है यहाँ पे, उससे बहुत अच्छा ये दिखता है। सेकंड जो अभी आप देख रहे हो, ये है आपका गणगौर घाट का सीन। गणगौर घाट है यहाँ पे, आप इवनिंग में आप अच्छी तरह से वॉक कर सकते हो, घूम सकते हो, और यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आपको मिलता है सनसेट का। आप देख सकते हैं सनसेट का व्यू कितना प्यारा आ रहा है। ये होटल के ऊपर का सीन है, रूफ़ टॉप का। जो मैंने होटल किया था वो था उदय निवास, ये बहुत अच्छा होटल था। और फ्रेंड्स, अगर आप होटल लेते हो तो आप ट्राई करो कि पिछोले लेक के आसपास ही लो, बिकॉज सारे जो भी यहाँ पे विजिटिंग हैं, जो भी प्लेसेस हैं अच्छे अच्छे पॉपुलर, वो सारे पिछोले लेक के आसपास ही हैं। अगर आप दूर से होटल करोगे तो आपको बार बार आना अप एंड डाउन करना पड़ेगा। अगर आप लोकल ऑटो से भी करते हो तो लगभग 200 और 300 के आसपास का आता ही है रेंट। यहाँ पे होटल जो मैंने बताया था आपको, ताज होटल जो आपको दिख रहा है, ये सबसे पॉपुलर है। यहाँ पे एक मूवी थी, ये जवानी दीवानी, उसकी शूटिंग हुई थी, आई थिंक आप सब लोगों ने देखी होगी। उसमें जो आपका वेडिंग का सीन था, वो पूरा इसी होटल में फिल्माया गया था। ऐसे बहुत अच्छा व्यू आता है, सामने सिटी पैलेस देख रहे हो आप। एक्चुअली इस ट्रिप में ना आपके तकरीबन उदयपुर, अगर आप अच्छी तरह से घूमना चाहते हो तो 3 to 4 days का टूर है, जो इजीली आप कवर कर सकते हो। ये जग मंदिर है, आप वहाँ से सिटी पैलेस से आप वोट राइट लेते हो तो जग मंदिर के लिए वोट राइट मिलती है, वो आपको जग मंदिर के लिए लेके जाती है। यहाँ पर अपना आप इंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, आप प्रेफर करो कि आप इवनिंग टाइम पे आओ, इवनिंग टाइम पे यहाँ पे बहुत अच्छा सनसेट भी आपको देख सकते हो, एंजॉय भी कर सकते हो। यहाँ पे फूड का ऑप्शन भी है, आप चाहो तो यहाँ पे डिनर भी कर सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छा आपको म्यूज़ियम भी मिलता है, छोटा सा एक ओपन है, चारों तरफ आपको ईजीली पानी ही दिखता है चारों तरफ देखने में, तो आप फ़ोटो शूट भी कर सकते हो। इसके साथ ही मैं एक बहुत अच्छा सा एक पार्क भी है, जहाँ पे आप वॉक कर सकते हो। आप देख सकते हैं ऐसे कितना अच्छा व्यू आ रहा है, पूरे उदयपुर का व्यू दिख रहा है आपको पिछोला लेक के आसपास। ये सामने पार्क है, ये सबसे पॉपुलर एक ये सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन है जग मंदिर। जो आपको बोट लेके आती है ना, वही आपको वापस लेके जाती है। और यहाँ पे ना स्टे करने का कोई 2-3-4 hours आप अपना स्पेंड कर सकते हो, ऐसा कुछ टाइम लिमिटेशंस नहीं है कि आपको एक घंटे के अंदर ही जाना है। आप उनमें इंजॉय कीजिए, खाना खाइए, और यहाँ पे थोड़ा छोटा सा घूमने की एक म्यूज़ियम टाइप का भी है, जहाँ आप सेल्फी पॉइंट भी है, सेल्फी भी खिंचा सकते हैं। वो सामने आपको दिख रहा है, वो आपका पहाड़ी पे जो है वो सज्जनगढ़ का किला है, इसे मानसून पैलेस बोलते हैं। अब आप देख रहे हैं, ये आपका सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन सर्दियों के बारे में महारानी वगैरह आती थी। यहाँ पे देखो फव्वारा है, इसमें क्या है, इसकी खासियत क्या है दोस्तों, इसमें अगर आप 3 बार क्लैपिंग करते हैं तो ये आप देखिए वैसे चल जाता है, और आप तीनों को बंद हो जाता है। हम लोग करते हैं ना,
आप जाइए ना, आपको जो जरूरत होगी आपको देखना कैसे क्या करते हैं पौने के साथ कैसे। अब आप सज्जनगढ़ का किला भी देख सकते हैं, ये बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। मैं तो बोलूँगा कि सेकंड नंबर पे यही है, फर्स्ट आपकी सिटी पैलेस है जग मंदिर पिचौला लेक और सेकंड ही सज्जनगढ़। आप इस तरह से इसको कवर कर सकते हैं अपना फर्स्ट डे पे, आप जो आइटनरी रखें वो पिचौला लेक और जग मंदिर और ये सिटी पैलेस रखें। सेकंड डे में आप सज्जनगढ़ और सज्जनगढ़ के साथ में ही एक जू भी है जो सज्जनगढ़ किले के साथ में ही है, वो भी घूम सकते हैं। इसके बाद थर्ड डे में आप चाहो तो कुंभलगढ़ किला भी जा सकते हो, वो भी यहाँ से जा सकते हो आप। और फिर इसके साथ में ही जैसे पिचौला लेक है वैसे ही फतेहपुर सागर लेक है, वहाँ पे चौपाटी है, वहाँ भी जा सकते हो आप। तो आप जो आप चौपाटी पे जाओगे यानी कि फतेह सागर लेक पे जाओगे तो वहाँ पे एक्वेरियम भी है, तो वहाँ पे बच्चों के पर्पज़ से बहुत अच्छा एक्टिविटी होती है, बच्चे फिश वगैरह और तरह तरह के फिश देखने के लिए। भवई कलाकार अपना बैलेंस बनाते हुए जबल गिलास के ऊपर भवई करके बैल करने जा रहे हैं।